अगेन इस वक्त हम पाकिस्तान इंजीनियर्स फोरम के 42nd फाउंडेशन डे के ऊपर मौजूद हैं और अभी न्यूली इलेक्टेड पाकिस्तान इंजीनियर्स फोरम के अल काजिम मंसूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अल काजिम साहब, आपको दो मुबारकबादें हों, एक तो 42nd फाउंडेशन डे की और आप अभी इलेक्ट हुए हैं पाकिस्तान इंजीनियर्स फोरम के प्रेजिडेंट। तो सर, पाकिस्तान इंजीनियर्स फोरम क्या इदारा है, इंजीनियर्स को इसमें क्यों शामिल होना चाहिए, या अगर मैं थोड़ा आसान अल्फाज में कहूँ तो इंजीनियर्स को इसमें क्या बेनिफिट होता है कि वो आपके मेंबर बने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान इंजीनियर्स फोरम, जैसा आपने यहाँ देखा कि 42nd हम अपनी बर्थडे मना रहे हैं, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह 42 साल से मौजूद है और हमारा एक मोटो है, वो मोटो हमारा ये लिखा हुआ है, ऑनेस्टी, डेडिकेशन और प्रोफेशनल एक्सेलेंस। अगर कोई इंजीनियर जो पास करता है वो हमारे इन तीन मंशूर से मुत्तफिक है, यानी वो अपनी ज़िंदगी ऑनेस्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ और प्रोफेशनल एक्सेलेंस हासिल करके हासिल करना चाहता है, तो उसको पाकिस्तान इंजीनियर्स फोरम खुशामदीद करता है। अगर आपके मकसद ये है कि आप इंजीनियर बने हैं और आप कमीशन लें और ये करें और इस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारें, तो पाकिस्तान इंजीनियर्स फोरम आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान इंजीनियर्स फोरम में आप आना चाहते हैं और इन तीन मकासद पे हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, आपको अपनी ज़िंदगी ऑनेस्टी के साथ गुजारनी है, डेडिकेशन के साथ गुजारनी है और प्रोफेशनल एक्सेलेंस हासिल करनी है, तो फिर पाकिस्तान इंजीनियर्स फोरम आपके लिए यहाँ तशरीफ लाए। तो क्या आप लोग इंजीनियर्स को क्या क्या एक्टिविटीज़ कराते हैं? देखिए, हमारे एक पूरा प्रोग्राम होता है कराची, एक तो ये कि पाकिस्तान इंजीनियर्स फोरम सिर्फ कराची में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में है और इसके हर बड़े शहर में इसकी शाखें मौजूद हैं। बड़े बड़े सेंटर्स जो हैं वो कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, फैसलाबाद, ये हमारे बड़े मराकज़ हैं। उसके अलावा छोटे शहरों में हैदराबाद, मीरपुर खास और दूसरे अटक और भावलपुर और भावल नगर, इन तमाम जगहों पर पाकिस्तान इंजीनियर्स फोरम के दफातर और उनके लोग मौजूद हैं और हर सेंटर का अपना अलग एक उस सेंटर की हिसाब से जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वहाँ के प्रोग्राम्स तरतीब दिए जाते हैं। मसलन कराची सेंटर में आपको मैं बताऊं कि हमारा जो सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है वो मॉक इंटरव्यूज पे। अनलाइक अदर सिटीज़, कराची में 90% जॉब्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में है, जबकि आपने देखा होगा कि दूसरे शहरों में सरकारी मुलाजमत ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक आपको सबसे जो अहम काम होता है वो इंटरव्यू होता है, तो उसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं मॉक इंटरव्यूज करके। वो हर साल 2 दफ़े या 3 दफ़े हम इसको करते हैं। इंडस्ट्री के मशहूर मारूफ वो लोग जो अपनी इंडस्ट्री में अपने उस मुकाम पे हैं कि वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें, वो हमारे एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयर्स पैनल में होते हैं और वो आके बच्चों को इंटरव्यू लेते हैं और उनको फिर सिखाते हैं कि आपको इंटरव्यू में क्या आपकी खामी थी। और बहुत दफ़े ऐसा होता है कि वहीं से बहुत से लोगों को जॉब्स मिल जाती हैं। तो एक जो हमारा मेन मकसद, एक जो मेन एक्टिविटी होती है वो जो नए इंजीनियर्स हैं उनकी करियर गाइडेंस, जैसे कि आज हमारे सेमिनार भी आपने देखा होगा कि मशहूर और मारूफ इंजीनियर्स जो पूरे पाकिस्तान में मशहूर और मारूफ हैं और अपने फील्ड में एक्सेलेंस हासिल कर चुके हैं, उनको बुला के लोगों को जो नए पास आउट हैं उनको करियर गाइडेंस की तरबियत देना कि वो करियर कैसे चूज़ करें, और उसके बाद मॉक इंटरव्यूज़ के ज़रिए उनको प्रिपेयर करना और फिर जॉब्स के लिए उनकी कोशिश करना। उसके अलावा फिर और बहुत से मसाइल हैं जो इंजीनियर्स के वक्तन फ़वक्तन निकलते रहते हैं, उसके ऊपर पाकिस्तान इंजीनियर्स फोरम अपनी पूरी तनदेही के साथ उस पर अमल करता है। मसलन पंजाब में सर्विस स्ट्रक्चर का बड़ा मसला है कि इंजीनियर्स को प्रमोशन नहीं होती उनके लिए, और इस तरह इंजीनियर्स के जितने भी मसाइल हैं और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम हल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे जो तीन मोटो, ऑनेस्टी, डेडिकेशन और प्रोफेशनल एक्सीलेंस। अच्छा, एक बस लास्ट क्वेश्चन मैं करूंगा कि करंट इशू है कि गवर्नमेंट ने जो है डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ रोकी हुई हैं और जो चल भी रही थी उनके भी फंड रिलीज नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से लाखों इंजीनियर्स बेरोजगार हो रहे हैं। पाकिस्तान इंजीनियर्स फोरम का इस चीज़ के ऊपर क्या मौका है? देखिए, मैं बाज़ दफ़े अपने साथियों को, ख़ास तौर से जो मैं गवर्नमेंट के साथ जिनकी बहुत हमदर्दियाँ हैं, उनको बताने की कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले अगर आपने लाहौर से कराची की तरफ आना हो तो आपका मुंह कराची की तरफ होना चाहिए और उसके बाद आप चलें
और अगर आप पैदल चलें तो 20 दिन में पहुंचेंगे, और जहाज में चलें तो 2 घंटे में, और गाड़ी में चलें तो 20 घंटे में. लेकिन आपका मुंह ही अगर पेशावर की तरफ है तो आप कराची कभी भी नहीं पहुंचेंगे. तो इस गवर्नमेंट का बड़ा मसला यह है कि इसने अपनी प्रायोरिटीज अभी तक तय नहीं की. डॉक्टर बशीर लखानी ने आपको बताया कि एक साल पहले हम क्रॉस रोड पे खड़े थे, अब हम उस क्रॉस रोड पे गलत डायरेक्शन में निकल गए, अब हमें एक यू टर्न लेना है उस क्रॉस रोड उस डायरेक्शन में, और वापस आकर उस क्रॉस रोड पे आना है और फिर जो है वो सही रास्ते को पकड़ना. ये खासा वाला यू टर्न मुश्किल में और फंस जाए. तो मैं ये कहा कि जैसे यू टर्न खान साहब लेते रहे तो एक दफा और यू टर्न ले और वो अपने डायरेक्शन को वापस क्रॉस रोड की तरफ लाके और सही डायरेक्शन. लेकिन मसला ये कि इस वक्त तो इंजीनियर्स बेरोजगार हो रहे हैं जी जी, और गवर्नमेंट उसके हवाले से आप लोग कोई एहतजाज या कोई ऐसी चीज करने के मूड में हैं? जी देखिए, मुख्तलिफ प्लान्स हमारे जेरो और हैं, और जैसे आपने बताया कि मैं न्यूली इलेक्टेड हूँ, अभी हाल भी नहीं उठाया, तो इंशाल्लाह जैसे ही हमारे कोई नए प्रोग्राम्स हम इसको करेंगे तो आप इंजीनियर भी हमारे साथ हमेशा से रहे, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस दफे भी आप हमारे साथ होंगे और हम जो भी प्रोग्राम्स होंगे उनको इंजीनियर्स तक पहुंचाने में आप हमारी ताबों में मदद करें. थैंक यू वेरी मच सर. तो नाज़रीन, उम्मीद है कि इंशाल्लाह कासिम मंसूर साहब का हम डिटेल इंटरव्यू करेंगे एज अ न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इंजीनियर्स फोरम. इस वीडियो में इतना ही. अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें.